तो हमारा ये मटन देगी कौरमा तैयार हो गया। आपने देखा है मैंने इसको किस तरह से बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज बना रही हूँ मैं मटन कौरमा। तो मैं बताती हूँ कि अब मैं इसमें क्या क्या डालूँगी। और ये तकरीबन मटन है, तकरीबन आधा किलो ये हमारी मटन है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। पिसा हुआ धनिया है 2 चम्मच, और ये पिसी हुई मिर्ची है रंग वाली तकरीबन 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक। तो मैं ये मसाले डालूंगी इसमें नमक समेत। ये जो मसाला है ये मैं अभी बाद में बताऊंगी कि मुझे कब डालना है। ये है हमारा कौरमा मसाला। ये मैंने डाल दिया। अब इसमें डालूंगी मैं ये 3 चम्मच दही है, और इसमें डालूंगी मैं ये लहसुन अदरक तकरीबन ये भी 3 चम्मच, और इसमें जाएगा ये ऑयल तकरीबन मैंने इसमें आधा कप ऑयल डाला है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी। अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि आगे अब क्या करना है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये जो सारे मैंने आपको दिखाए थे मसाले डाल के और गोश्त डाल के मटन को मैंने डाल के इस तरह पकने के लिए रख दिया, और ये देखें ऑयल भी आ रहा है। अब ये जितनी देर में गोश्त गलता है फिर मैं आपको टाइम बताऊंगी। और अभी जो है गोश्त भी पानी छोड़ेगा और दही भी, तो अभी उसमें देखेंगे कितनी देर में कितना टाइम लेते हैं गलने के लिए। बाकी बाद में ये तली हुई प्याज और ये कौरमा मसाला फिर मैं जब डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो गोश्त जो है हमारा गल गया है और तकरीबन इसको 30 मिनट लगे हैं गलने में। तो अभी इसमें जो हम डालेंगे ये कौरमा मसाला, और ये तली हुई प्याज है, तो इसको अभी जो हम थोड़ा सा इसके साथ भुनाई करेंगे। उसके बाद इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डालूंगी। पहले इसके साथ अच्छे से भुनाई कर लूँ, क्योंकि जो प्याज हमने डाली है थोड़ी सी वो नरम होगी, मसाले के साथ मिक्स होगी। और गोश्त हमारा बहुत अच्छा गल गया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम इसके साथ भुनाई करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्याज मैंने अभी आपके सामने डाली थी और कौरमा मसाला मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब आप देख लीजिए पक रहे हैं। अब इसमें जो है मैं तकरीबन 1 कप पानी डालूंगी कि ये अच्छे से प्याज जो अच्छे से घुल जाए। तो उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो कौरमा जो है हमारा तैयार हो गया है। जो मैंने आपके सामने प्याज वगैरह सब डाली थी वो देखें अच्छे से सब घुल गई है। तो हमारा ये देगी कौरमा तैयार है। अब मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ। इसकी ग्रेवी अगर आपने और ज़्यादा रखनी है कम रखनी है वो आप अपने हिसाब से रख लें, तो मैंने तो इतनी रखी है। तो हमारा ये मटन देगी कौरमा तैयार हो गया। आपने देखा है मैंने इसको किस तरह से बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है हमारा देगी कौरमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।